हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर सोमोदय। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक कार्डियक रेमेडी के बारे में। इस दवा का नाम है नाजा ट्राइपुडियंस। इस दवा को हार्ट प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, यानी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए इस दवा का उपयोग होता है। हार्ट में कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन हो, र्यूमेटिक फीवर के कारण हार्ट में प्रॉब्लम हो, हाइपरट्रॉफी हो या फिर कोई भी एरिथमिया हो, ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। क्रॉनिक वाल्वुलर डिजीज में भी, हार्ट का क्रॉनिक वाल्वुलर डिजीज में भी ये दवा का उपयोग होता है। दोस्तों, इस दवा को देने से पहले कुछ सिम्टम देखना पड़ता है। वो सिम्टम अगर पेशेंट्स में हो तो ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। उसमें से पहला सिम्टम है, एक साइन है, डॉक्टर लोग देखते हैं, पल्स चेक करते हैं। पल्स इरेगुलर इन फोर्स बट रेगुलर इन रिदम, मतलब रेगुलर पल्स बीट होता है लेकिन कभी थ्रस्ट ज़्यादा होता है पल्स का और कभी थ्रस्ट कम होता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होता है, मतलब पेशेंट खुद अपना हार्ट बीट को महसूस कर सकता है। इतना ज़्यादा क्रॉनिक पैल्पिटेशन होता है पेशेंट को, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी होता है कि पेशेंट कभी कभार ठीक ठाक से बोल भी नहीं पाता, सडन बोलते बोलते चुप हो जाता है और बुक मतलब जो हार्ट वो पैल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली अगर कोई पब्लिक स्पीकर हो, स्पीच देते देते थम जाता है और पैल्पिटेशन होने लगता है, यानी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट बीट को खुद महसूस कर सकते हैं, सडन गला बैठ जाता है। चेस्ट के लेफ्ट रीजियन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्टिचिंग टाइप का पेन होता है। वो अगर कोई ड्राइविंग करे या किसी भी चीज़ पे राइड करे तो वो बढ़ जाता है, या फिर पेशेंट अगर सो जाए तो पेन बढ़ जाता है, हार्ट का पेन बढ़ जाता है। अगर ECG को रीड करे तो जो ECG का एक्सिस होता है, राइट एक्सिस डेविएशन या फिर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी हो सकता है, उससे हम डायग्नोसिस करते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकता है या फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकता है। दोनों केस में ही ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है, लो पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में। डिप्थेरिया होने के बाद भी ये दवा यूज किया जा सकता है। पोस्ट डिप्थेरिक केसेस में थ्रेटन पैरालिसिस ऑफ द हार्ट, मतलब सडन हार्ट का बंद हो जाना, फिर से वापस चालू हो जाना, कुछ फ्यू सेकेंड्स के अंदर ऐसा होता है। ऐसे केसेस में हमें बीट भी नहीं मिलता पल्स का, इरेगुलर बीट भी होता है, ऐसे केसेस में भी नाजा का उपयोग होता है। हार्ट के प्रॉब्लम के साथ कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी मतलब पेशेंट में आ जाता है, जैसे सुइसाइडल इंसैनिटी, मतलब ऐसा लगता है कि पेशेंट डर जाता है कि पेशेंट मर जाएगा, ऐसा फीलिंग होता है, सुइसाइडल थॉट्स आता है ब्रेन में। अगर पेशेंट सोए रहे तो नींद के अंदर बिड़बिड़ाता है, बहुत मतलब सुइसाइडल ड्रीम्स आता है पेशेंट्स को। ऐसे सिम्टम में भी हम कलेक्ट करते हैं ऐसा सिम्टम, तो ये नाजा प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करता है बहुत। अगर एक्यूट स्टेज ऑफ र्यूमेटिक कार्डाइटिस हो, हार्ट का इन्फ्लामेशन हो, उसके साथ सांस का प्रॉब्लम हो, डिस्पनिया, और बहुत ज़्यादा स्पैज्मोटिक कफ हो, इतना ज़्यादा ड्राई कफ, लेकिन कफ का कोई कारण नहीं है, कोई स्पूटम नहीं आता, लेकिन हार्ट का उसके साथ प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन, उसके साथ बहुत ज़्यादा कफ, उसके साथ एंग्जाइटी एंड सुइसाइडल इंसैनिटी, ये सब देख के हम नाजा लो पोटेंसी यानी 30 में प्रिस्क्राइब करता हूँ। दोस्तों, इस दवा को आप डॉक्टर्स के गाइडेंस में ही लीजिएगा और आपके डॉक्टर जो भी डोज प्रिस्क्राइब करे उसको ही कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आप इस दवा के डोज के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में। इस मेडिसिन को 2 बूंद दिन में 2 बार 15 दिन तक लेना पड़ता है। 2 बूंद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और 2 बूंद रात को डिनर के बाद, मतलब कुछ खाने के बाद ही इस दवा को लीजिएगा।